हाय समीर, हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड थैंक्स। हाउ आर यू? आई एम गुड, ऑन टाइम. इट्स सोरिंग एट दुबई, राइट? सोरिंग टेम्परेचर। हाँ यार, टेम्परेचर इज अबव नॉर्मल, इट्स 62, मोर देन नॉर्मल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अचीविंग 7 किलोज ऑफ मसल गेन। हाँ, थैंक यू, इट्स बिकॉज ऑफ यू, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. I was stuck माय in प्लेजर। between 65 या माय प्लेजर। सो कैन यू प्लीज शेयर आपकी जो भी हेल्थ हिस्ट्री है वो आप बता सकोगे व्यूअर्स को? हाँ यस, मैं बता सकता हूँ. हेल्थ हिस्ट्री में मैं डिप्लोमा करके 19 एट द एज ऑफ 19 आई केम टू दुबई. मैं इधर दुबई में आ गया था जॉब के लिए. तो उसके बाद मैं खाना पकाना तो पहले आता नहीं था, फिर इधर भी टाइम नहीं मिलता था. ऐसे ही जो भी होटल का खा लिया विदाउट टाइम नाश्ता. ब्रेकफास्ट खाता नहीं था क्योंकि सीधा लंच खाता था, फिर डिनर. ब्रेकफास्ट में सिर्फ टी और न्यूट्रिशन प्रोटीन ये सब कुछ साइन है, ये भी होता है करके ऐसा कुछ जस्ट चल रहा था, जिंदगी चल रहा था. बस वीकनेस, बहुत वीकनेस. तो सुबह 11 बजे नींद आता था, 12 बजे खाना खाया तो नींद आता था. ऐसा ताकत नहीं था जिसमें. 4 ईयर्स ऐसे ही गुजरा. फिर बाद में आपको अप्रोच किया, वो यूट्यूब में आपको अप्रोच किया, कम्युनिटी में, आपको याद होगा. फिर उधर से आपका नंबर मिला मेरे को, फिर बाद में लिंक मिला. तो उसके बाद में उसके थ्रू में आया, तो उसमें एक्चुअल कोर्स शुरू हुआ. तो उसके बाद में मेरे लिए पर्सनल कस्टमाइज डाइट वगैरह दिए. मैं जब 4 मंथ में जब मैम को मिला, तो 4 ईयर्स में जो नहीं हुआ तो अभी ये 4 मंथ से हुआ है गुड ऐसा. गुड गुड, ग्रेट ग्रेट थिंग, ग्रेट। ओके, एज सो हाउ डू यू फील नाउ, जैसे कि बिफोर डाइट और आफ्टर डाइट, क्या आपको इम्पैक्ट आपके ओवरऑल हेल्थ में या इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ लग रहा है? हाँ, एंड बिफोर डाइट बोले तो लेजीनेस फील होता था. लेजीनेस तो अभी भी है, लेकिन वो ये टायर्डनेस फील होता था. टायर्डनेस वो 8 बजे, 7 और 6, 6:30 से ड्यूटी शुरू होता है. 9 o'clock नाश्ता करते हैं, नाश्ता में तो कुछ पता करते हैं. 10 11 बजे नींद आता था, तो बैठ जाए बैठ जाए. अच्छा, ऐसा है, काम करके बस किधर जाके बैठ जाओ, ऐसा होता था. साइड में रहते थे तो ऑफिस में तो नहीं है, साइड में किधर साइड में बैठ लिया, ऐसा काम होता था. फिर बाद में कॉन्फिडेंट तो लो, तो लोगों से बात करने का, मीटिंग में कॉन्फिडेंस लो, प्रोडक्टिविटी एक होता है ना लाइफ में, कुछ कर लो कुछ सीख लो. वो बिल्कुल नहीं, 0. आया शाम को स्क्रोलिंग किया, सो लिया, बस रिपीट. 4 ईयर्स ऐसा चलता था. फिर आफ्टर डाइट जो हुआ, एक स्ट्रेंथ मिलने लगा. तो ये जो टायर्डनेस थिकनेस जो था वो सब चला गया. और मैं नोटिस किया जो बॉडी पोस्चर है वो भी थोड़ा सही हुआ एक्चुअली. दैट मीन देर इज इम्प्रूवमेंट इन योर स्टैमिना एंड एनर्जी लेवल, राइट? हाँ यार, बहुत सिंपल है, फर्क महसूस ओके होता है. ओके, यस, गुड। सो जो भी आपकी ये 4 मंथ्स की जर्नी रही और आपने जो भी 7 किलोज ऑफ जो वेट गेन किया, तो इसमें आपका लर्निंग आपको क्या मिला? रनिंग में मैं फूड का इंपॉर्टेंस पता चला, न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंट, और प्रोटीन क्या होता है, किसके लिए होता है. पहले तो ऐसा है, जरा सुन लिया, हाँ प्रोटीन प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन ही सब कुछ होता है, न्यूट्रिशन और सब चीजों में होता है. मैं पहले क्या सोचता था, नॉनवेज का आएगा, चिकन का आएगा, उसमें प्रोटीन है, वेज न्यूट्रिशन है, लेकिन जो आपने बताया, जो जो आपने चार्ट बना के दिया, इसमें इतना ग्राम है, इसमें इतना, बहुत सीखने को मिला. फ्रूट्स का इम्पोर्टेंस, वेजिटेबल्स का इम्पोर्टेंस, ओके, ओवरऑल फूड सो डिश एवरीथिंग, ऐसा बहुत नॉलेज. दैट मींस अभी ये जो भी नॉलेज है आपको, जो भी मिला है नॉलेज न्यूट्रिशन साइंस का, आपको लाइफ टाइम अहेड आपको ये यूजफुल रहने वाला है हेल्थ जी, आपका। ला दो. यस, टू मेंटेन योर गुड हेल्थ, ये नॉलेज जो है वो आपके एंटायर फैमिली के लिए यूजफुल रहेगा। यस, फैमिली के लिए, फ्रेंड सर्कल, जो भी जिसको भी न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है उसको मैं बताता हूँ. अभी यस विदाउट हेजिटेशन, डर नहीं होएगा, एक आएगा तो क्या होगा. तो नॉलेज है तो नॉलेज शेयर कर सकते. यस, आप जब नॉलेज शेयर करते हो तो आपका नॉलेज बढ़ता है, ऐसे जितना आप शेयर करोगे, जितना हेल्प करोगे लोगों को, तो दैट इज गुड। आई एम हैप्पी टू नो दिस दैट यू हैव लर्न समथिंग इन दिस डाइट जर्नी, एंड आगे जाके आप भी लोगों को हेल्प करना चाहते हो जिनको ये नॉलेज नहीं है, राइट? मैं पर्सनली हेल्प करने से अच्छा मैं ये रेकमेंड करना चाहूंगा, वो आपसे मिले. आपको मतलब जो भी आपसे कंसल्ट किए ना, तो फिर उनका लाइफ चेंज हो जाएगा. तो मैं ये रेकमेंड करेगा उनको. तो डेफिनेट डेफिनेट।
मैं लोगों को ये भी कहना चाहता है, जैसे वो कुछ लोग सोचेंगे डाइट जर्नी एक बार बोल देते हैं खाओ, बोरिंग ऐसा नहीं होएगा। मैम जो प्रिपेयर करेंगे लाइक पर्सनल, पर्सन टू पर्सन, वो उनका डिवाइड होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, प्लेस टू प्लेस वेरी होता है। ये जैसे मैं इधर मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट में इन्होंने मेरे को डेस का डेस इंक्लूड किया, और ड्राई फ्रूट थोड़ा इधर जो मिलता है ना लोकली वो आपने डाला मेरे को याद है। या दैट इज कॉल्ड तो एज बीच में कस्टमाइजेशन हाँ कस्टमाइजेशन। कस्टमाइज मतलब पर्सन एक होता है ना, पर्सन टू पर्सन जो आपने करते हो, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, और उसमें जो मार्केट में मिलते हैं आपने रिसर्च करके वो देते हो, वो थोड़ा अच्छा रहता है। यानी इधर कुछ कुछ होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में इधर मिलता है नहीं मिलता है, कॉस्ट भी होता है, तो आपने जो इजिली अवेलेबल है वो ढूंढ के लाते हो। फिर बाद में मैं एक्चुअली मैं मुस्लिम है, तो बीच में रमजान आ गया, तो आपने उसके लिए एक कस्टमाइज सेपरेट 1 मंथ के लिए डाइट डिजाइन किया, यानी मॉर्निंग 4 o'clock के पहले क्या खाना है, इवनिंग 6 के बाद क्या खाना है, तो उस टाइप के बहुत हेल्पफुल रहा जब आपने बोला। तो फिर इवनिंग तक ऐसा इवनिंग को कुक कर देते हैं मैम, आपको आपको नहीं बताया मैं, रोजे के टाइम में 3 बजे ड्यूटी से आके इधर खाना पका देते हैं हम लोग 6 बजे तक। मैं एग्जाम्पल दे रहा, यानी एनर्जी का डिफरेंस देखिए बस, थोड़ा सा तो दैट रमजान वाला जो डाइट प्लान था वो लाइक साइंटिफिकली डिजाइन था, जहां पे आपका जो भी लॉन्ग आवर्स का फास्टिंग हो रहा है वहां पे आपके एनर्जी लेवल्स डाउन नहीं होने चाहिए, या फिर मॉर्निंग में जो भी आपका ये आप लेते हो मील उसका बैकअप भी अच्छा खासा इवनिंग तक मिलना चाहिए, राइट? जी, मिल रहा दैट था जो इज आपने रियली डिजाइन किया था, उसमें हो रहा था, पूरा पूरा हो रहा हाँ। ओके गुड। सो मेरा अभी एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट मैसेज लाइक यू वांट टू गिव टू द व्यूअर्स, जो आपको अभी ये व्यूअर्स देख रहे हैं, तो था। मैं तो भी उसको बोलेगा वंस इन अ लाइफ टाइम, इतना सब कुछ कर रहे हैं, उधर घूमने जाते हो ये जाते हो जाते हो, लाइफ पे नहीं है, हेल्थी नहीं है तो क्या करोगे। मैं यही कंसल्ट करेगा, एक बार आप डाइटिंग का कोर्स ले लें, मतलब डाइटिंग का कोर्स बोलोगे या डाइटिंग जर्नी बोलोगे, जर्नी बोलेगा मजा आएगा, ऐसा नहीं है। यानी एक्चुअली खाना इट इज अ कुछ जर्नी, डाइटिंग हाँ जर्नी है, मैं कोर्स ही नहीं बोल इट इज अ सकते जर्नी। जर्नी, देखिए राइट? आपने बोला था 3, आपने मेरे को भी बोला था 3 मंथ का होगा, लेकिन 6 मंथ होने वाला है, लेकिन फिर भी हम कनेक्टेड है, तो ऐसे लाइफ लॉन्ग कनेक्टेड रहेंगे। अभी एक जैसे कहता है एनी टाइम आप सरेंडर पे करते हैं, मतलब सपोर्ट अच्छा है, कंसल्टेशन अच्छा है। ओके थैंक्स थैंक्स अमीर लाइक फॉर द दिस टेस्टिमोनी, गिविंग दिस टेस्टिमोनी, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अचीविंग दिस ग्रेट हेल्थ इम्प्रूवमेंट, एंड टेक थैंक यू केयर थैंक यू, एंड बेस्ट विशेस टू यू फॉर द हेल्दी लाइफ अहेड। ओके थैंक यू थैंक यू सर।